हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इन विंडोज 10 और विंडोज 11। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में भी विंडोज 11 या विंडोज 10 का लाइट वर्जन इंस्टॉल है, लेकिन आपको वहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं दिया जाता, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज 10 या विंडोज 11 में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को एक्सबॉक्स ऐप के जरिए इंस्टॉल करेंगे। ये सबसे इजी मेथड है, तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करना है और वेब ब्राउजर में आपने एक्सबॉक्स फॉर विंडोज सर्च करना है, तो एक्सबॉक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वो सबसे ऊपर आपके सामने आ जाएगी। तो यहां से आपने एक्सबॉक्स वेबसाइट को ओपन करना है, तो आप डाउनलोड पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आपने डाउनलोड ऐप बटन पर क्लिक करना है और एक्सबॉक्स ऐप को आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। 13 MB की छोटी सी फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। जब डाउनलोडिंग पूरी हो जाए तो अब आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक्सबॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन को, इसके बाद यहाँ पर आपने इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। तो 13 सेकंड से 1 मिनट तक एक्सबॉक्स ऐप जो होगी वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद लेट्स गो बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक्सबॉक्स आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब आपने ऊपर जो कॉर्नर पर साइन इन का ऑप्शन है, आपने यहाँ से साइन इन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने ऐप में जाना है। जब ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मिसिंग है और इसके आगे इंस्टॉल बटन है, आपने इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 13 सेकंड से 1 मिनट तक आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से एक्सबॉक्स को आपने क्लोज कर देना है और यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पर जाकर चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली एक्सबॉक्स ऐप का यूज करते हुए विंडोज 10 या विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सबॉक्स के जरिए इंस्टॉल करना सबसे इजी है, तो इसलिए आपने एक्सबॉक्स ऐप का यूज करते हुए अपनी विंडोज 10 या विंडोज 11 के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को इंस्टॉल कर लेना है।